बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज की वीडियो में। हम तमाम क्वेश्चंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। दो लाइन्स दी हुई हैं, दोनों लाइन्स का आपने करना है, इनके दरमियान का आपने मालूम करना है एंगल। भाई किस तरह से, अगर देखें भाई, अब हमें लाइन पता है, ठीक है, हमें नहीं पता पॉइंट्स, तो ये कहाँ लाई कर रहे हैं। हमें दो लाइन पता है, हो सकता है लाइन कुछ इस तरह से हो, ठीक है, तो यहाँ पे इनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है ये हमें मालूम करना हो। अब हम जो है वो अज्यूम कर रहे हैं, जस्ट हमने ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है, फिगर, तो ये मैंने अज्यूम करके बनाई है कि भाई दो लाइन्स हैं L1 एंड L2, इन दोनों के दरमियान हमें मालूम करना है एंगल। अब किस तरह से करेंगे, तो देखिए स्लोप की ज़रूरत होती है सबसे पहले हमें, तो यहाँ पर लाइंस गिवन है, तो लाइंस के दरमियान जो है वो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए जो हम स्लोप के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ वाई। इससे हम मालूम कर लेंगे स्लोप और ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे दोनों लाइन्स के दरमियान का एंगल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन। अब यहाँ L1 नहीं कहा गया सवाल में, तो हम कह देंगे लाइन 2x - 3y + 7 = 0 एंड M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 7x + 4y - 9 = 0 टू फाइंड M1 एंड M2 वी यूज M = - कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो M1 मालूम करेंगे, तो M1 के लिए लाइन जो है वो है ये, तो कोफिशेंट ऑफ x है 2 माइनस 2, कोफिशेंट ऑफ y है -3, माइनस से माइनस कैंसिल, M1 आ गया 2/3। नाउ M2 मालूम करें, कोफिशेंट ऑफ x वो है 7, कोफिशेंट ऑफ y है 4, तो M2 की वैल्यू आ गई -7/4। ठीक है, M1 भी आ गया इजीली, M2 भी आ गया। नाउ फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल मालूम करने का फॉर्मूला है tan θ = M2 - M1 / 1 M1 M2। tan θ = M2 है -7/4 - M1 है 2/3 और 1 + M1 है 2/3, M2 है -7/4, tan θ = 2। अब जो सारी सिंप्लीफिकेशन है वो करेंगे। देखिए भाई 4 × 3 = 12, ऊपर तो LCM आ गया 12, ठीक है, 4 × 3 = 12, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस, -7 × 3 = 21, -2 × 4 = 8, डिवाइड हो रहा है ये 1 ± 2 7 = 14 और 3 × 4 = 12, tan θ = 2 ये हो गया -29/12 और डिवाइड हो रहा है ये 1 12 LCM आ गया 1 12 = 12 -14, तो tan θ = 2 -29/12, डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में बदला 12 ऊपर और 14 - 12 किया तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल,
टेन थीटा इक्वल्स टू 29 अपॉन 2, थीटा यहीं रहा, टेन वहां जाके हो जाएगा टेन इनवर्स 29 अपॉन 2, यही आपकी बुक में आंसर गिवन है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 29 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है 14.5। शिफ्ट प्रेस करके टेन इनवर्स प्रेस करें एंड देन आंसर आ जाएगा आपके पास 86.0। थीटा इक्वल्स टू 86.0। आपकी बुक में इस तरह के एंगल्स गिवन नहीं है, यानी कि जस्ट 45 था वो गिवन था, बाकी 86 हो या समथिंग कुछ भी हो वो गिवन नहीं है, जस्ट आपके पास यही आंसर गिवन है। तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।